ऐसा चैप्टर है जिसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उसी के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। देखिए बच्चों, अगर मैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम अपने आसपास की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ही देखते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है इसकी इम्पोर्टेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, बच्चों ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज की बात करें या जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स होते हैं उनको देखें तो उनमें बहुत काम आने वाली चीज़ है। बच्चे अक्सर इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ तो देखिए, आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा अपने घर पे, कभी भी नया रेफ्रिजरेटर देखते तो उसके पीछे एक डायग्राम बना होता है और उस डायग्राम के अंदर कुछ सिंबल्स बने होते हैं और उन सिंबल्स के अंदर ही कुछ कनेक्शन देके जो इलेक्ट्रीशियन आता है आपके घर पे, कभी भी जब आपका रेफ्रिजरेटर या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब होता है या जो वर्किंग में नहीं रहता है तो उनको देख के उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको रिप्लेस कर देता है। तो बच्चों, जो वो डायग्राम होते हैं उनमें कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के साथ में कैसे हमें पता लगता है कि भाई ये चीज़ हमें यहाँ से हटानी है और उन डायग्राम को समझे कैसे, आज उन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायग्राम। जैसा आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, मैं एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बना देता हूँ और इस सर्किट के अंदर मैंने एक बैटरी लगाई है। करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सिंबल है, दिस इज द स्विच और यू कैन से इट प्लग की। तो प्यारे बच्चों, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने डायग्राम के फॉर्म में बनाया है, लेकिन इस एक्चुअल प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो इसमें हमें कनेक्टिंग वायर चाहिए होती है, रियल में एक बैटरी चाहिए होती है, एक बल्ब चाहिए होता है। तो उन प्रैक्टिकल चीज़ों को ऑन बोर्ड या पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम्स हम यूज करते हैं, डायग्राम को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चों इतनी ज़्यादा है, जैसे आप किसी इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक वेल प्लान्ड और एक मेंटेन्ड आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम मिलेगा। और वो कहाँ पर मिलेगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। उनको कोई भी फॉल्ट होता है, जैसे मान लो ये घर है, इसके घर के ऊपर वाले रूम में रूम नंबर 3 में ही एक रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो वो कहते हैं कि रूम नंबर 3 में दिक्कत है। तो सबसे पहले अगर कोई भी अननोन इलेक्ट्रिशियन है तो वो देखेगा कि एक बार मुझे सर इसका एक बार सर्किट डायग्राम देखो, फिर उसके बाद ही मैं इसको सोल्व कर पाऊँ। अब बच्चों, अगर उस इलेक्ट्रिशियन को सर्किट डायग्राम का नहीं पता है तो वो उस रूम की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जहाँ 10 मिनट लगने से वहाँ 50 मिनट लगा देगा। तो टाइम कंजप्शन को कम करने के लिए हम ये डायग्राम्स बनाते हैं। अगर आपसे कहें कोई व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, वो डायग्राम्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअल इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन पेपर या ऑन बोर्ड शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो अगर मैं इनकी डेफिनेशन को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, द डायग्राम विच शोज द इलेक्ट्रिक सर्किट विद कंप्लीटिंग इट्स ऑल कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट्स के साथ में जो डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब बच्चों, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं,
इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो जो इक्विपमेंट या जो भी हम चीजें लगाते हैं, लाइक ये बल्ब हो गया, की हो गया, बैटरी हो गया, कनेक्टिंग वायर्स, ये सब क्या है? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों एक बात याद रखना कि हम बैटरी हैं, सेल हैं, इनको एक्चुअल प्रैक्टिस में देखते हैं तो हम काफी बड़ा साइज होता है, लेकिन डायग्राम को ज्यादा फसीना बनाने के लिए हम इनके लिए कुछ स्पेशल सिंबल यूज करते हैं ताकि ये डायग्राम बिल्कुल आसानी से सबको समझ में आ जाए। और बच्चों जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स देखे हैं, मैंने इसमें भी बताया आपको, तो उन सभी कंपोनेंट्स के कुछ स्पेशल सिंबल, सिंबल का मीन मतलब होता है कुछ अलग तरीके से या कुछ एक डायग्राम बनाकर हम उसको शो करते हैं, तो उन्हीं सिंबल्स को हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये मेरे पास एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हम एक तो सेल लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, बैटरी। तो सबसे पहले ही कंपोनेंट्स नेम, मैंने एक लिस्ट बनाई है कंपोनेंट्स नेम। इस कंपोनेंट्स में सबसे पहले लिस्ट में नाम आता है बच्चों इलेक्ट्रिक सेल का। तो बच्चों इलेक्ट्रिक सेल इन एक्चुअल प्रैक्टिस आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, जो आप अपनी क्लॉक में, वॉल क्लॉक में यूज करते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। उस पे एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड क्या होता है, नेगेटिव। दीज आर द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल। तो बच्चों इन एक्चुअल में ऐसा कभी भी सर्किट डायग्राम के अंदर सेल बनाए तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होगा। कन्वीनियंट या आप कहें हमें अपनी फैसिलिटी के लिए, सुविधा के लिए हमने इनके कुछ सिंबल्स बना लिए, और वो सिंबल्स जो हैं बच्चों यहाँ नहीं, नॉट इन इंडिया, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो इन सिंबल्स को थोड़ा ध्यान से देखना। तो एक इलेक्ट्रिक सेल, उसका सिंबल होता है बच्चों, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। और बच्चों इसमें आप दो बार देख रहे हैं, एक थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा है और एक थोड़ा सा छोटा है। तो जो लेंथ में कम है बार, वो होता है सेल का नेगेटिव टर्मिनल, और ये होता है बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल। और दो ये वायर है बाहर की तरफ, इसके नोड जा रहे हैं, वहां पर आप कनेक्शन दे सकते हैं या इसको अप्लाई कर सकते हो, एक सर्किट है। एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, मैंने बैटरी की जगह पर बनाया है। ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, सॉरी फॉर दैट। अब बच्चों अपने पास नेक्स्ट कंपोनेंट है जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है, वो है बैटरी। इन एक्चुअल प्रैक्टिस बच्चों जो सेल होते हैं, उन्हीं ढेर सारे सेल को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारे पास अरेंजमेंट बनता है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस कोज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी। यानी बैटरी के अंदर मिनिमम दो सेल, और टू से आप कितने भी ज़्यादा कर सकते हो। तो याद रखना हमेशा ये कि बैटरी होता क्या है एक्चुअली में, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसलिए मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बच्चों एक बैटरी का जो सिंबल होता है वो सिंपली ये सिंबल होता है, ये इसका पॉजिटिव नोड होता है, इन एक्चुअल जगह आप देखेंगे तो बच्चों एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, हमने इसमें तीन सेल लगाए हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बच्चों सेल को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये सिंबल बन जाता है किसका, एक बैटरी का। सो दिस इज द सिंबल ऑफ ए बैटरी। तो दूसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा बैटरी। अब बात करेंगे बच्चों प्लग की। इन एक्चुअली में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो अभी भी देखो लॉकडाउन का समय है मेरे पास, अभी मैं अपनी लैब को एक्सेस कर नहीं सकता। तो बच्चों अभी मैं प्रैक्टिकली तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा प्लग की क्या होता है, लेकिन इसका डायग्राम जरूर बता रहा हूँ। बच्चों स्विच जब हम देखते हैं, तो हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, उस स्विच की पोजीशन को हम बोलते हैं ऑन पोजीशन या क्लोज्ड। और जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो लाइट बंद रहती है, इससे कोई हमें लाइट एनर्जी नहीं मिलती है, या बल्ब बल्ब से कोई लाइट एनर्जी नहीं मिलती है, इसका मतलब वो ऑफ पोजीशन पे है। तो ऑफ पोजीशन को बच्चों बोलते हैं क्लोज्ड प्लग की, और इसको बोलते हैं हम ओपन प्लग की। सर्किट डायग्राम के अंदर बच्चों इनके लिए स्पेशल सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ ओपन प्लग। और बच्चों मैंने आपके पहले दूसरे लेक्चर में या वीडियो में बताया है कि इसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज में।
ओपन में आप इसके बीच में कोई भी डॉट नहीं लगाते हैं, जबकि इसके बीच में आप एक डॉट, इट मींस इट इज क्लोज्ड, यानी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है एंड इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इनके बीच में एक ब्रेकेज है। तो बच्चों ये दो कॉम्पोनेंट हमने पढ़े, प्लग की ओपन और क्लोज, यानी दोनों पोजिशन में हमने इसको पढ़ा। अब बात करते हैं वायर जॉइंट की। बच्चों डे टू डे लाइफ में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर हम वायर को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जॉइंट लगाते हैं उनका। अब प्रैक्टिकली तो हम कर देते हैं, उसके ऊपर जो भी हमारी टेप होती है उसको हम बाइंड कर देते हैं और वो सर्किट बन जाता है। लेकिन सर्किट डायग्राम्स के अंदर अगर हमें दो वायर को कनेक्ट करते हुए दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? मान लो सपोज करो मेरे पास ये एक वायर है, और बच्चों ये वायर का ही सिंपल होता है सिंपल लाइन, दूसरी वायर को मुझे कनेक्ट करना है, मान लो ऊपर की तरफ दूसरी वायर है, तो जहां पर ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी वहां पर हम एक डार्क पॉइंट बनाएंगे। इट मींस दिस वायर ए इज कनेक्टेड टू वायर बी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि तीनों वायर, अगर इसको सेगमेंट लेता हूं मैं, ये वायर वन है, टू है, थ्री है, तो तीनों की तीनों आपस में जॉइन हो रही है किस पे पॉइंट, इस पॉइंट पॉइंट का नाम रख दूं ए, ए पॉइंट जॉइन हो रही है। तो आप सिंपली कहें एक वायर जॉइंट को हम कैसे किस सिंबल से जॉइन करते हैं, तो इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, या इस सिंबल से हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के अंदर शो करते हैं। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा, देखना एक बार अभी आगे। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, आपने बहुत बार देखा होगा बच्चों, जैसे अपना हमें अगर एक्सटेंशन वायर लेते हैं तो बच्चों एक वायर के ऊपर से मान लो दूसरी वायर जाती है, उनके बीच में कोई जॉइंट तो नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस करती है, इसके ऊपर से दूसरी जगह जाती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लो तो मैं, ये एक वायर है एंड दिस वायर इज गोइंग टू योर टेबल फैन, और उसके ऊपर से मैं एक्सटेंशन बोर्ड की वायर को ऊपर से लेके जाता हूँ और उसको प्लग में लगाता हूँ। तो बच्चों जो दोनों वायर है वो क्रॉस तो एक दूसरे को कर रही है, बट देयर इज नो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, बिकॉज उनके बीच में क्या होता है एक इंसुलेशन, वो तो हमने देख लिया प्रैक्टिकली, लेकिन डायग्राम के अंदर हम कैसे शो करेंगे? वो बनेगा ऐसे, सपोज मेरे पास एक वायर है ये ए और दूसरी वायर है ये, इसके ऊपर से क्रॉस कर रही है। अगर ये सीधा हम ऐसे बनाएंगे इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, इट मीन्स दिस वायर इज क्रॉसिंग वायर बी विदाउट एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, यानी सिंपली इलेक्ट्रिकली कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, एक दूसरे को ऊपर से क्रॉस करके जा रही है। नाउ द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। अब बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे घर में होते हैं उनके लिए भी हमने एक सिंबल बनाया है, ये सिंबल मैंने यहाँ पर भी शो कर रखा है इलेक्ट्रिक बल्ब का है। इसके दो नोड होते हैं, ये है बच्चों सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इसका एक टर्मिनल है एंड दिस इज द सेकंड टर्मिनल। अगर हम इस बल्ब को कनेक्शन में शो करना है तो यहाँ पर हम सेल का एक टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और सेल का दूसरे टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तब उसके बाद ही ग्लो करेगा। उसके बाद आता है बच्चों रजिस्टर और रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों एक ये बिल्कुल नई टर्म है आपके लिए, क्योंकि अभी आप प्रमोट हुए हैं 10th क्लास के अंदर रजिस्टर, लेकिन ये वर्ड आपने सुना होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, जनरल वर्ड की तरह कहूँ तो मैं, रोकना किसी चीज़ को या किसी चीज़ को कुछ हिंडरेंस प्रोवाइड करना, रुकावट पैदा करना किसी चीज़ के लिए। इन एक्चुअल प्रैक्टिस देखिए बच्चों मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम अभी तक मैंने आपको काफी बार बना के दिखाया है। ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करता है, और इतना मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस के ऊपर मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। तो बच्चों देखो हर एक ही जितने भी अपने पास कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करते हैं, और कोलाइड होने की वजह से वो उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को कुछ हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, और उसी हिंड्रेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस।
अब बच्चों कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा कंडक्टर, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है या रुकावट प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक करंट को, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। तो हम बैर बच्चों अगर बात करें, एक कंडक्टर है वो भी प्रोवाइड करेगा, तो कंडक्टर को भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेजिस्टर। इज इट क्लियर? लेकिन फर्क क्या है, ऐसे कोई भी कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस या यू कैन से हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं रेजिस्टर। अब इनको हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में शो करने के लिए बच्चों एक सिंबल यूज करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हम जिगजैग लाइन ऐसे लेते हैं। ये अपना जिगजैग लाइन में ऐसे, और अगर बच्चों इसका रेजिस्टेंस आर है तो ऊपर की तरफ मैं मेंशन कर देता हूँ आर। और एक बात याद रखना बच्चों, जो ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है यानी रुकावट देता है इलेक्ट्रिक करंट को, वो लगातार सेम रहती है, बराबर रहती है। इसका अगर एग्जांपल दूं मैं तो वही ऐसे ले सकते हो आप, एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है, ये स्टूडेंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये इसको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, फिर भी ये फोर्सफुली इधर तरफ जा रहा है। तो बच्चों मान लो ये इसको 2 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो वही 2 न्यूटन के फोर्स को ये काउंटर करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जितना लगातार इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इट मीन्स कि जो ये इसको अपोज कर रहा है विद ए कॉन्स्टेंट फोर्स। तो अगर मैं सिंपली आपको वर्ड्स में कहूँ तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो उसके फ्लो को रोकता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब बच्चों ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी। वेरिएबल्स मींस जिसको आप अपनी इच्छा के अनुसार यानी अपनी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसी का नाम होता है बच्चों रियोस्टेट। अब रियोस्टेट का सिंबल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। एक ये तो सिंबल हो गया रजिस्टर का, अब वेरिएबल है तो इसके बीच में हम एक एरो लगा देते हैं, ये बन जाता है अपने पास सिंबल ऑफ रियोस्टेट। और एक और सिंबल होता है बच्चों, इसी को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, और दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर। इसके ऊपर हम एक ऑल्सो रियोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टर। तो बच्चों ये मैंने बताया आपको रियोस्टेट के बारे में। अब एक कंपोनेंट की बात करेंगे बच्चों, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं और वो करंट को मेजर करता है, मैंने बताया था, और उस डिवाइस को हम बोलते हैं बच्चों एमीटर। तो सर्किट डायग्राम में जब भी हम एमीटर को शो करेंगे तो उसका सिंबल होगा बच्चों ये। एक सर्किल के अंदर हम लिखेंगे ए और उसके 2 लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो बच्चों ये तो होता है एक नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इसके 2 वायर, 2 नोड निकलते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और एक को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो बच्चों दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वोल्टमीटर। और एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, एमीटर को हमेशा हम किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है लाइक द एमीटर, एक छोटा सा चेंज होता है इसमें, हम ए, ए स्टैंड फॉर इसकी एस आई यूनिट दैट इज एम्पियर, और यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों वी, वी मीन्स वोल्ट जो इसकी एस आई यूनिट होती है। इसमें भी 2 नोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। सो बच्चों ये बन जाते हैं अपने सिंबल्स, वोल्ट मीटर के लिए भी, एमीटर के लिए भी, वेरिएबल रेजिस्टेंस सभी का मैंने मेंशन किए हैं सिंबल। एक नीचे कंपोनेंट बन जाता है बच्चों, ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन आप आगे जब फर्दर आएंगे 12th क्लास में तब तो पढ़ेंगे कैपेसिटर। इन एक्चुअल प्रैक्टिस मैं आपको बताऊँ तो आपके घर पर बहुत बार इलेक्ट्रीशियन आता होगा तो कहता होगा आपके फैन अगर वर्किंग में नहीं है तो भाई मैं एक बार इसका अंदर जो कैपेसिटर है वो चेंज करता हूँ, और कैपेसिटर को वो सिंपली लैंग्वेज में बोलता है इलेक्ट्रिशियन, सेल चेंज करता हूँ इसका, इसके अंदर एक सेल करता हूँ, कुछ शेप सिलेंड्रिकल शेप का होता है
वैसे अलग अलग शेप के होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको शो करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, और उसका होता है ये सिंबल। इसके भी दो नोड होते हैं। अब देखो बच्चों, एक होता है अपना इलेक्ट्रिक सेल और एक होता है बच्चों बैटरी। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना, इसमें दोनों के दोनों जो ये मैंने बार लगाए हैं दोनों की हाइट क्या रहनी चाहिए, सेम, नहीं तो इसको हम कैपेसिटर नहीं कहेंगे। और कैपेसिटर को वैसे हम शो करने के लिए बच्चों लिख देते हैं यहाँ पर सी। इसे रजिस्टर को मैंने शो करने के लिए आर लिखता हूँ, ऐसे इसके ऊपर लिख देता हूँ कैपेसिटेंस को शो करने के लिए सी। इसमें फ़र्क है बच्चों थोड़ा देखना, ये जो बार है यानी जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहा है वो थोड़ा लेंथ में ज़्यादा है, और जो टर्मिनल नेगेटिव है या जो बार नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रहा है उसकी लेंथ थोड़ी कम है। सो बच्चों दीज आर द कॉम्पोनेंट विच वी यूज इन सर्किट डायग्राम। अब अगर बच्चों मैं इसी को, अगर मैं इस डायग्राम को या इसी सर्किट को डायग्राम की फॉर्म में लिखना चाहूँ उनके सिंबल्स को, तो ये कैसे बनेगा एक बार बता सकते हैं क्या आप मुझे? यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए मैंने बताया हर एक कंडक्टर का क्या होता है एक रेजिस्टेंस। तो ये क्या बनेगा, इसको हम, ये हमारे पास एक कंडक्टर है उसके क्रॉस हमें एक सेल लगाना है। ये सेल अपना ऑलरेडी सिंबल में ही है नेगेटिव पॉजिटिव। अब स्विच ऑफ करने के लिए या ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, की लगाते हैं। और बच्चों एक बार दोनों में फर्क देखना, ये है ओपन स्विच। तो बच्चों इसमें ओपन स्विच में हम कोई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन शो नहीं कर रहे, लेकिन जैसे यहाँ नोट लगाते हैं हमें शो करना पड़ेगा कि सर्किट के अंदर से एक करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट की डायरेक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो बच्चों इसको याद रखना, ये जो रजिस्टर में शो कर रहा हूँ इट नेवर मीन्स कि रजिस्टर एक अलग कंपोनेंट होता है। कोई भी ऐसी चीज या कोई भी कंडक्टर भी हो सकता है, वो जिसके पास खुद का रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो बच्चों ये था सर्किट डायग्राम्स के अंदर यूज होने वाले कुछ कंपोनेंट्स और उनके सिंबल। तो बच्चों मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, अगर आपके पापा या भाई या कोई भी और आपके रिलेटिव्स हैं जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनसे एक बार आप या आपके घर का भी है कोई सर्किट डायग्राम तो उसको देखना, उनमें ये सिंबल्स आपको यूज होते हुए नजर आएंगे। अब इन सिंबल्स को अगर मैं पहले की बात करूँ आपको नहीं पता हो, लेकिन इनके मीनिंग बहुत वाइड होते हैं। जब इसको आप यूज करोगे या आप जब डायग्राम्स को देखोगे तो पता लगेगा कि इनको कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंबल्स और ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले वीडियो जो अपना होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसका नाम है बच्चों ओम्स का, उसको हम आगे कवर करें। थैंक यू।